हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आज तबीयत थोड़ी सी डाउन है सुबह से ही, और आप लोग देख सकते हो बारिश हो रही है। दोपहर का समय हो गया, 2:30 बज चुके हैं शायद, और बारिश होना बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। थोड़ी थोड़ी रिमझिम अभी भी हो रही है। चलो तो अंदर चलते हैं, मैं खा लेती हूँ खाना और आगे आपको चलो भाभी से भी मिलाती हूँ। ये अनिल खा रहे हैं खाना, हमारा झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, मैंने कर दिया अभी जस्ट, और अभी चलते हैं। रेडी? देखो आज मेरी भाभी जान बना रही है खाना नंद के घर, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है ना, इसलिए आज इन्होंने बर्तन भी साफ किए, रोटी सब्जी सब कुछ बनाया भाभी ने। और सबने खाना खा लिया? किस किस ने? लक्ष ने और हाँ मोनू ने भी खा लिया है। मैं खाती हूँ, भाभी खाएंगी। और अनिल लेके आए थे चीकू, और ये तो भाभी ने ये भी वॉश करके डाल दी जस्ट अभी, मैं नहा के आई हूँ। तो चलो, अब पता है ये वाला सूट मुझे टाइट आ रहा था, तो भाभी तो रुकने के पर्पज से नहीं आई थी, तो कपड़े नहीं लेके आई थी, बट भाभी को एकदम फिटिंग का आया। तुम्हें ये रोटी और नहीं ले रहे? तो इन्होंने खा लिया, बना के भी रखेंगे तुम्हारे लिए। चलो, समय कितना हो गया है? 2:30 बच्चे को। चलो मैं खा लेती हूँ, तो मैं आपको अपनी भी शक्ल दिखा देती हूँ। जस्ट अभी नहा के आई हूँ, थोड़ा लेट गई थी, नींद नहीं आ रही थी। आज मैं रात से ही सोच रही थी कि आज मेरी तबीयत खराब होने वाली है, मैं भाभी से बोल रही थी, फिर दवाई लेके भाभी ने बोला आप आराम कर लो, तो फिर मैं अब सो के उठी थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा लगाया और कपड़े भी डाल दिए, थोड़े बहुत कपड़े भी वॉश कर दी हूँ, और मैंने भजूड़ा बना लिया है, चंपू जैसी लग रही हूँ। और अनिल कर रहे हैं ऑफिस का काम। आज हम कहीं जाने वाले थे लेकिन मोनू की ड्यूटी है तो कैंसिल हो गया। क्यों? कल चलेंगे। अभी तो भाभी रहेंगी तो कल चलेंगे। और अभी मैं पहले से बैटल कर रही हूँ, मैंने दवाइयाँ तो ले ली हैं, चाय पी के ब्रेड खा के। चलो आज क्या की सब्जी बनी है? आलू और बीन्स की सब्जी बनी है, और कल की आलू मटर भी रखी है, तो मैं कल वाली सब्जी से खा लूँगी गर्म करके, आलू मटर की से, ठीक है? क्योंकि आलू बीन्स ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो चलो खा लेते, बन गई? चलो साथ में ही खा लेंगे, ठीक है दोनों? चलो साथ में ही खा लेते। तो मेरा भाभी का भी खाना हो गया है, और ये हो रहा है गैस पर पानी गर्म, और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी विक्स, क्योंकि मोनू को सर्दी हो चुकी है तो भाप लेगा वो, इसलिए। चलो हो जाता है, उसके बाद थोड़ी पंचायत होंगी है। हाँ अनिल चले गए खाना खा के बाहर, तो ये पानी गर्म होने दो। विक्स कब डलेगी इसमें? बिल्कुल गर्म हो जाएगा तब। चलो, तो कल तो बेचारा आया है और आते ही इसको हो गई सर्दी, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी इसकी ड्यूटी है, तो बाइक से गया था, घर के पास में ही ड्यूटी है जहाँ पे हमारा घर है, तो बाइक से ही चला गया था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस मौसम में सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है। तो वो यहाँ पर भाप ले रहा है, और टॉवल से, मैंने बोला टॉवल से ले लेना, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ये सब। यू क्या रहा है? ऐसा मुझे मैंने तो कभी नहीं ली बाप। तो जुकाम करना चाह रहा है, उसके बाद लेगा। यहाँ तक आ रही है खुशबू? आराम से देखो, उनके फोन पे बैठी हूँ। जाके बारे टोपा लगाना। टोपा कहाँ है? मामा को टोपा लगाना है इसके बाद। मैं लगाऊंगा। लक्ष्य को ये लग रहा है कि मैं भी करूंगा, जल्दी से मुझे भी सर्दी हो जाए, मुझे मैं भी करूंगा। इसको सारी चीजें खेल खिलौने ही लगती हैं। अंतर है? अंतर है? आंख लाल हो गई सही में? तो कल ही ये लोग आए, और कल दिन में तो मेरी तबीयत अच्छी थी, और रात में ही ऐसी खराब हो गई। हमने आपने देखा होगा पिछले वाले ब्लॉग में, रात में हम खूब बातें करी, सब कुछ अच्छे से हुआ, उसके बाद अचानक मेरी 3 बजे से तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। सारी रात मैं सो नहीं पाई, तो अभी सुबह मैंने दवाई ले ली, और आँखों से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी आँखें कैसी हो रही हैं। ये सेकंड टाइम भाप ले रहा है, और अभी हो रहा है दोपहर का समय, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप शूट की गई हैं। तो यहाँ पे अनिल तो अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, साथ में ही थोड़ा सा ब्रेक ले लेके वो भी पंचायतें कर रहे हैं जीजा साले, तो साइड में मैं यहाँ फ्री होके मैं भी बैठ गई हूँ, भाभी उधर बैठी हुई हैं, और मोनू भी मैं ये कंबल में बैठा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये यहाँ पे पंचायतें कर रहे हैं, और पंचायतें करने में तो माहिर हैं ही ये।
तुम्हें चैन नहीं है, हम कुछ भी बातें कर रहे हैं तुम वीडियो शुरू कर देती हो। अरे यादों के रूप में होना चाहिए सब चीजें। ये यादों के रूप में यार अरे यार मजाक, सिर पे हाथ लगा के बैठे हैं। तबीयत खराब थी ना, आपको पता है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तबीयत खराब थी ना मेरी, कितनी तबीयत खराब थी आपको भी पता है। देखो लक्ष्य कैसे लगा पड़ा अकेला, लक्ष्य अपना होमवर्क कर रहा है, लगा पड़ा क्या है, होमवर्क कर रहा है और क्या कर रहा है। और बस मेरे सर में इतना तेज दर्द हो रहा था, कल तबीयत खराब हुई रात में, फिर सुबह मैंने दवाई ली, दोपहर में ली, बट मेरा फिर से सर दर्द स्टार्ट हो गया, तो अभी मैंने सर बांध लिया है। और एक्चुअली आप लोग इग्नोर करना, मैं सर बांधे ही रखती हूँ, अगर अच्छी लगूँ या ना लगूँ, बट कमेंट आया था सर बांध के, कोई मतलब नहीं, नहीं कमेंट आया था। इतनी चल रही है कि अच्छे भले इंसान को सिर में दर्द होना शुरू हो गया। हाँ तो बस भाभी भी फ्री हो गई, हम सब लोग फ्री हो गए, सारा काम घर का हो गया है और खाना पीना सब कुछ, तो ये भी ड्यूटी से आ गया था, तो सब लोग बैठ के बातें करते तो काफी अच्छा लगता है। बट इस टाइम पे ये सब लोग बातें कर रहे थे, मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा सर और फेस इतना गर्म था ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैं बार बार उसको ऐसे कर रही थी। मेरी पता ये इतनी भी हेल्प नहीं करते कि चलो सिर दबा दूँ मैं। सिर कहाँ से दबा दूँ, मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तुम अच्छा। पंचायत तो कर रहे हो कम से कम। अरे मैं सुन रही हूँ, मेरा मन लग रहा है, वरना और तबीयत खराब हो जाती, ये लोग नहीं होते हो, मेरी तबीयत खराब होती तो अभी हो रहा है, और शाम का समय यानी कि 6-6 बच्चे समथिंग, तो अभी यहाँ पे नमकीन चाय हो रही है और अनिल गए हैं सब्जी लेने के लिए। ओहो फाइनली आ गए, तो ये सब्जी वगैरह लेने गए थे मंडी, क्योंकि सब्जी वगैरह जरूरी थी, तो थोड़ा सा इनको टाइम मिला था, तो मैंने बोला सब्जी लेके आ जा। कीचड़ कीचड़ हो जाती है बरसात में, तो मेरा मन नहीं करता मंडी जाने का बिल्कुल भी, बट क्या करें, लाना तो पड़ेगा। और आते ही बेचारे ऑफिस में लग गए, क्या करें। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय, तो लंच बन रहा है, और लंच में देख सकते हो आप आज कढ़ी बन रही है, क्योंकि मोनू ने भी बोला, भाभी ने भी बोला, और इसमें चावल रख दिए हैं, रोटी गरम गरम बनेंगी। और ये मैंने पकौड़ियों के लिए थोड़ा सा मैंने बेसन घोल लिया है, और ये मैंने धनिया पत्ती कट कर ली है। तो मैं हूँ किचन में, और भाभी उस वाले रूम में मेरा ब्लॉग देख रही हैं। मोनू चला गया है, उसकी ड्यूटी है, तो ड्यूटी जाता है थोड़े समय के लिए, फिर आ जाता है। तो आज कहीं बाहर जाने का भी प्लान है, तो वो अपनी ड्यूटी से आता है वैसे ही, बाहर से मतलब बाहर से आता है, तो हम चलेंगे बाहर कहीं, और कहाँ जाएंगे वो हम आप लोगों को बता देंगे, उसका मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, तो आप लोग हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहिएगा। और कढ़ी चावल किसको पसंद है, कढ़ी की मैंने रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, और इस टाइप से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसमें मैंने हरी मिर्ची ऑलरेडी डाल दी है, और इसमें चावल हो रहे हैं, और अभी चलो मैं काम कर लेती हूँ, तो झटपट से मैं काम कर लेती हूँ, फिर ना जल्दी बंद हो जाता है आजकल सब कुछ, तो फिर बाहर जाएंगे तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना। तो कढ़ी चावल रोटी तो खाएंगे तो खा के जाएंगे, कढ़ी चावल तो खा के ही चलेंगे नहीं तो, ठीक है। तो चलो झटपट से कर लेते हैं, फिर अब मैं आपसे मिलती हूँ तैयार होने के बाद। चलो बाय बाय। वो ये जा रहे हैं भैया, कोरोना में भी इनको चैन नहीं है, मास्क वास्क ले लिए। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं, और अनिल और लक्ष्य घर पे ही हैं, क्योंकि बच्चों को ले जाना सेफ नहीं है इस वजह से, तो हम तीन हम बच्चे हैं। अरे लक्ष्य, हाँ तो ये बोलो ना बच्चे को, हाँ तो अरे बच्चे को, और अनिल का ऑफिस है तो वो दोनों घर पे हैं, और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।